जलेबी इस बात का सबूत है कि उलझने भी मीठी हो सकती। जलेबी खाओ, सोच बदल रही है। आप सबने मीठी मीठी जलेबी तो खूब चखी होगी, लेकिन फिल्म जलेबी कितनी मीठी और प्रेम रस से भरी होने वाली है, जानने के लिए हमारे साथ है फिल्म जलेबी की टीम। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। सो बच साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कितनी मीठी होने वाली है फिल्म और कितनी प्रेम रस इसमें होगा। ये आपका नजरिया बदल देगी प्रेम के बारे में, लव के बारे में, इश्क के बारे में, रिश्तों के बारे में, क्योंकि हमारी कुछ धारणाएं हैं जो हम पे थोपी गई हैं। हमारे पुरखों ने जिस पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी शायद जी है, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ आपके अंदर उंडेला है। मगर ये 21वीं सदी का दूसरा डेकेड जो है समाप्त होने आ रहा है, और ये एक सत्य है कि पिछले 10-15 साल में जब से डिजिटल एज ने प्रवेश किया है हमारे इस मुल्क में, हिंदुस्तान शायद 15 साल में इतना बदला है कि जितना वो 5000 साल में नहीं बदला था। हमारे नौजवान पीढ़ी की सोच, उनकी ज़िंदगी जो है, हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो बड़े थे, उनसे काफ़ी अलग हो गई है। तो ज़ाहिर है जब आपके जीने का अंदाज़ बदलता है तो आपके रिश्तों में कुछ परिवर्तन आता है, और फिर वो हम चाह के भी अपने रिश्ते जो हैं उस तरफ ले जा ही नहीं पाते हैं जिस तरफ आपके बड़ों ने कहा है कि ये जो रिश्तों का जो एक की मंजिल जो है ये है। आई फील दैट लव रिलेशनशिप्स नीड टू बी रीडिफाइंड। और फिल्म मेकर जो होता है या स्टोरी टेलर होता है, वो एक तरह से ज़िंदगी को जीता है, उसकी धड़कन को सुनता है, और फिर अपने अंदाज में एक फिक्शनल स्पेस में अपना जिया हुआ समझा हुआ सच जो है उसको एक्सप्रेस करता है, जो पुष्पदीप ने जलेबी में किया है। और मुझे लगता है कि मुझे एक संपूर्णता का एहसास हुआ। हालांकि एक फिल्म की कहानी सीमित होती है, मगर एक फिल्म जब पूरी तरह फिल्म मेकर जो है उसको महसूस करके रिक्रिएट करता है तो एक संपूर्णता का एहसास होता है दर्शक में। ऐसा एहसास मुझे एडिटिंग के वक्त हुआ था, और ऐसा एहसास हमें जो है पहला जब हमने रफ कट अपना आंसर प्रिंट देखी थी, तो रोलिंग टाइटल से पहले हम सब उठ के हमने एक दूसरे को गले लगाया। हमने कहा भाई अब बात तो बन गई कुछ, क्योंकि हमारे हमारे जबान ने नहीं कहा, हमारे जिस्मों ने कहा, हमारी आंखों ने कहा, कहीं पर हमारी आंखें नम हो गई थी। और जो बाहर से जो लोग आए थे, जो इस नीयत से आए थे कि जरा देखें ये क्या बनाया इन्होंने, वो भी कहीं पर भीग गए थे। हल्ला है इस फिल्म में। पुष्पदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप फिल्म को बनाने का सोचा तो क्या एक थॉट मन में लेके चले थे, क्योंकि बहुत सारी लव स्टोरीज आती हैं और ये किस तरह से अलग हो पाएगी बाकी से? बहुत सारी लव स्टोरीज होती हैं ना, उसमें एक किरदारों के बीच में प्यार होता है, वो मिलते हैं, बिछड़ते हैं, और एक वाह वाली फीलिंग होती है। इस वाली जलेबी में आह वाली फीलिंग है। आह है, इसमें बात नहीं हो पाएगा, इसमें आह हो पाएगा। तो ये इस तरह से अलग है बाकी फिल्मों से। लेकिन इसमें जो एक लाइन भी है कि एक किरदार दूसरे किरदार से कहता है कि तुमने तो प्यार के मायने ही बदल दिए, तो इसकी डेफिनेशन डेफिनेटली चेंज होने वाली है कि प्यार जो है वो बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, वो दीवारों के बीच में कंसाइज, उसको छुपा के नहीं रखा जा सकता, वो पूरा बाहर निकल के आता है, और जलेबी की गजब की मिठास सबको मिलेगी। वरुण, पहली फिल्म है आपकी, तो महेश भट्ट के साथ काम करना कैसा रहा? और मतलब ये भट्ट कैम्प के साथ आप जुड़े हैं तो, और पहली फिल्म तो एक लॉन्च पैड बहुत अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ। इन्होंने एकदम एक परिवार वाला सेटअप, मतलब हमारी जो फिल्म थी वो एक परिवार वाला सेटअप बन गया था, और मतलब इन दोनों ने इतना भर भर के प्यार दिया, सपोर्ट दिया। और मैं जैसा एक्टर हूँ, मैं बहुत सवाल पूछता हूँ, दोनों से बहुत सवाल पूछता था। और यू नो, न्यू कमर होने के नाते देव रियली लाइक सपोर्टेड मी वेरी वेल, वेदर इट वॉज हिम और पुष्पदीप और मुकेश जी। सो आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर स्टार्ट देन दिस। और भट्ट साहब हमेशा कहते रहते हैं कि इट्स सच एन एनवियस डेब्यू द रोल दैट आई हैव, देव्स कैरेक्टर, बिकॉज
He'll only tell you why. और आप देखिए, आप किसी भी स्टार की जर्नी को आप जरा मुड़ के देखें, जब ही उनको कोई एक लॉन्च पैड मिला है तो म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान रहा है. हमको याद है राजेश खन्ना साहब के पीछे आर डी बर्मन का जो ग्रेट म्यूजिक था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ग्रेट म्यूजिक था, इमरान हाशमी हमारा जो घर का बच्चा है उसके साथ भी एक ग्रेट म्यूजिकल नैरेटिव जो है एसोसिएटेड है. तो ये लड़का कुछ ज़्यादा ही भाग्यशाली है. इसको डेब्यू में ऑलरेडी जो दो गाने जो हमारे हैं वो तो नंबर 5 टॉप 5 में है, में चल रहे हैं, बाकी जो है वो 10 के अंदर हैं. और ये मेरा यकीन है कि हफ्ता ख़त्म होते होते ये नंबर 1 पे 5 गाने फिल्म में टॉप 5 में आ जाएंगे. तो आधा तो काम तो हमने कर दिया, समा हमने बांध दिया, एक माहौल बना दिया है. और जैसे ये कहते हैं कि भैया अब आप इस बार ये नहीं कह पाएंगे इनका म्यूजिक तो अच्छा होता है, अब की बार म्यूजिक भी अच्छा है और पिक्चर म्यूजिक से बेटर है. yes. है ना? yes. तो छाती ठोक के बोलो यार कि अब हमारी yes. बात तो विशेष फिल्म्स के म्यूजिक बहुत हमेशा अच्छा रहता है. तो एक्टर्स के माइंड में होता है कि हाँ हम इस फिल्म से लॉन्च होंगे तो एक म्यूजिकल में काम करने का मौका मिलेगा. तो आपका क्या थॉट था रिया? आई थिंक हर एक्टर को विशेष फिल्म के साथ काम करने का मौका चाहिए होता है. एंड वी आर वेरी लकी कि हमें वो काम मौका मिला है. एंड आई थिंक एक म्यूज़िक इतना अच्छा क्यों होता है और विशेष फिल्म की पिक्चरों में फील क्यों होता है ये मैं आपको समझा सकती हूँ. क्योंकि ये जो विशेष फिल्म है ये दो भाइयों की वजह से है. दोनों बिल्कुल पागल हैं. एक हमारे ज़्यादा कौन है? ये कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों का पागलपन एकदम अलग है. मतलब एकदम अलग टाइप के पागल हैं. एक मुकेश जी हैं, वो गानों में घुस जाते हैं, आपको लगेगा कि ही इज जस्ट अ बिजनेसमैन, लेकिन नहीं. वो सारे सॉन्ग्स उनके सोल से कनेक्टेड है. ही इज द वन हू हियर्स इट एंड हाय उनको कुछ फील होता है तो हमको कुछ फील होता है. और फिर भट्ट साहब के बारे में तो जो कहें अब सबको मालूम ही है. जिन है जिन, मतलब उनकी एनर्जी नेवर एंडिंग है. वो पागलपन एक हमारे साथ 14 घंटे शूट करके मैं घर जाके लेटी हुई होती थी. मैं कभी इंस्टाग्राम खोल के आलिया भट्ट का इंस्टा स्टोरी देखती थी, भट्ट साहब कूद रहे हैं आलिया बिल्ली के पीछे लग रहे हैं. मैं बोल रही हूँ क्या है ये लोग, ये क्या है. और आई थिंक द ब्यूटी अबाउट विशेष फिल्म की वो आप एक फैमिली की तरह है. वो आपको दे मेक यू पार्ट ऑफ इट. यूजली एक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है. एक्टर्स का ओपिनियन मैटर नहीं करता है. आप एक्टर हो, सुंदर दिखो, डायलॉग डिलीवर करो और घर जाओ. यहाँ पे ऐसा नहीं है. आप एक्टर हो इस फिल्म के, आप हमारे बच्चे हो, आओ बताओ आज की पीढ़ी में क्या हो रहा है. यही बात विशेष फिल्म्स को रेलेवेंट रखती है. इवन दो इट्स पियर हेडेड बाय टू मेन, दे आर वेरी रेलेवेंट बिकॉज वो आपसे पूछते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं वो सही है या गलत है. ऐसा कौन पूछता है इतने बड़े स्टैचर पे बैठ के. सो आई फील लाइक दैट इज द रीजन व्हाई द म्यूजिक ऑफ विशेष फिल्म और देयर फिल्म्स टू इवन टुडे हैव दैट फील एंड दैट ट्रूथ बिकॉज दे स्टे कनेक्टेड. जैसे कि इन्होंने बात की आलिया की इंस्टाग्राम स्टोरी की, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि मतलब जो डिजिटल स्पेस है क्या आप आलिया से इंस्पिरेशन लेते हैं उसमें उनके साथ इन्वॉल्व? भाई आलिया तो विजर्ड है. आई मीन उसकी जो एक कंफर्ट लेवल है विद द इंस्टा स्पेस वो पाथ ब्रेकिंग है. और शायद उसने एक ऑर्थोडॉक्स एक जो एक पैटर्न था हमारे स्पेस का कि हीरोइन स्पेशली जब तक उनका चेहरा कुछ बाजार के डेफिनेशन के आधार के ऊपर सही नज़र ना आए तो वो अपने इमेजेस को स्पेस में जाने देती नहीं थी. Correct. तो वो तो बिल्कुल शी इज सो एक्सेसिबल है. मगर यही तो इस दौर की खास बात है कि इट वांट्स एक्सेस, एक्सेस इज सक्सेस. और इसलिए कहीं पर आपका जो दर्शक है, आपका जो फैन है, वो आपसे फौरन बिना किसी अपना गेटकीपर से जुड़ना जाता है. ये वक्त का तकाजा है. हमारे बेटे ने माइक टाइसन को लेटर लिख दिया. हमारी राइटर साहिबा हैं कौशल मुनि, उनकी बच्ची है, उसने वो शीला जो हैं जो ओशो आश्रम की हैं उनके साथ में स्काइप पे इंटरव्यू कर दिया. तो ये दौर जो है इस हैज दिस हैज क्रिएटेड अ न्यू जनरेशन जिसकी वाइटैलिटी है और जो बिना किसी गेटकीपर से आपसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. तो आई थिंक द टाइम्स आर डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट, इसकी जबान बदली है, इसकी बोली बदली है. इसलिए ये जब हमको समझाते हैं तो हमारे जो जाले हैं, हमारे जिस्म पे हमारे रूप पे जो धूल है वो साफ होती है.
तो ये इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि हम इनके साथ जुड़कर कितना अपने आप को रिलेवेंट कर पाते हैं, क्योंकि जो पुष्पदीप ने जब आके मुझे कहानी का एक नज़रिया दिया था जब उस इनको डायरेक्टर बनाया हमने, तो मैंने सोचा यार ये मेरे 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद में भी मैं ये बात समझ नहीं पाया जो ये इसने इतनी सहजता से इतनी सादगी से मुझे समझाया है नरेशन के दौरान. Now that is the beauty of the generation now. और yes, the seniors have to consider this कि आपको अपने बच्चों के मुँह से ज़िंदगी कुछ बोल रही है, कुछ गुनगुना रही है. अरे सुनो तो सही यार, कुछ ताज़ा हो जाओगे, कुछ संवर जाओगे, कोई नया नूर आ जाएगा हमारे चेहरे पे. नूर इसलिए क्योंकि हम अपने बच्चों की बातें सुनते हैं. सूर्या, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. जो एक न्यू एज बहू हमने ट्रेलर में देखी जो पजामा में एंट्री करती है घर में, उसके बारे में बताइए. नहीं, न्यू एज बहू नहीं, न्यू एज मैन है, क्योंकि जब बीवी पांव छूती है तो शौहर भी पांव छूता है, और पीछे जो मदर इन लॉ है वो हैरान तो होती है मगर एक मीठी स्माइल भी उसके चेहरे पे है. बेटा कमाल का. इसलिए हमने वो जो लाइन इन्होंने लिखी है कि जलेबी खाओ सोच बदल रही है. सही बोला. एंड आई जस्ट डोंट थिंक कि एक न्यू एज लड़की की बात हो रही है यहाँ पे. आई थिंक एक न्यू एज जनरेशन की बात हो रही है. एक न्यू एज लड़का है, एक न्यू एज लड़की है, जो शायद आप और हम ऑलरेडी हैं, पर हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि मैंने ये फिल्म करते वक्त बहुत कुछ सीखा है एज अ पर्सन कि अच्छा, मैं सोचती तो बहुत न्यू एज हूँ पर करती नहीं हूँ. तो इस फिल्म के वजह से अब मैंने करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर लिया है. एंड आई थिंक कि सब लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम सब चाहते हैं कहीं कि हम इस सब से हट के दूर जाएं और कुछ बन जाएं जो हम बनना चाहते हैं. वी ऑल वांट टू बी आर सेल्व्स, वी वांट टू बी रियल, वी डोंट वांट टू बी स्टक इन द पैरामीटर्स ऑफ ट्रेडिशन. हम सब इसे हटना चाहते हैं. इसका मतलब ये नहीं हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं. मंदिर जाएंगे तो चप्पल बाहर ज़रूर निकालेंगे, ये बात नहीं है. बात ये है कि हम वो करना चाहते हैं जो हमें सही लगता है. लेकिन हम ये इंडिया में स्पेशली हम इसमें बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, स्पेशली वुमेन. आई फील मोर देन मेन, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डीएनए में घुसी हुई हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. अरे ओपिनियन है तुम्हारा, इसका तो ओपिनियन है, इससे शादी कौन करेगा? ये तो बोलती है. हाँ, ये तो बात करती है, जवाब देती है. हाँ, आज के डेट में भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन अरेंज मैरिज की जब बात आती है वो बताती नहीं है कि उन्होंने MBA किया है. वो खाली इतना बोलते हैं कि नहीं हम तो ग्रेजुएट हैं, क्योंकि घर वालों ने बोला है ओवर क्वालिफाइड हो आप. सो आई थिंक ये फिल्म जो है इन सब से बहुत बाहर निकालती है पूरे इंडिया को और एक नया पर्सपेक्टिव देती है कि इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. प्यार प्यार होता है, जितने भी अलग लोग हों उनके बीच में प्यार है तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता. एंड आई थिंक कि सारी लड़कियाँ और सारे लड़के इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सबके अंदर है वो कीड़ा. हमको चाहिए वो पागलपन और वो अलगपना जो हम खुद ढूंढ रहे हैं, वो मुझे इस फिल्म में मिला है. सो आई थिंक मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर एक कैरेक्टर प्ले करके मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो आपको तो खाली फिल्म देखनी है. वरुण, आप कितना रिलेट कर पाते हैं अपने कैरेक्टर से और जो जैसे कि रिया ने बताया हमें? तो मेरा कैरेक्टर एक बहुत सिंपल लड़का है एंड ही इज रियली एनर्जेटिक गाय. ही इज रियली प्राउड ऑफ वेयर ही कम्स फ्रॉम. पुरानी दिल्ली की गलियों में बड़ा हुआ है और वो मतलब चाहता है कि जिस नज़रिए से वो अपनी गलियों को देखता है सब उसकी गलियों को वैसे देखें. सो एंड व्हेन ही इज डिस्क्राइबिंग हिज गली, व्हेन ही गोज इनटू दैट डायलॉग ऑफ पुरानी दिल्ली का दिल, ये है नेताजी की हवेली, देयर इज अ पोएट व्हिच कम्स आउट इन हिम लाइक दैट. एंड ही इज अ ट्रेडिशनल गाय, रूटेड है अपने फैमिली के साथ, जड़ों के साथ. वो अपनी जड़ों को लेके बिल्कुल उसको एक घमंड है, एक अजीब सा. ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट. But this, at the same time, he's a modern guy. And modern doesn't necessarily mean Western. So I think, जहाँ तक मेरी सिमिलरिटी ये बोलती हैं कि मैं और देव बहुत सिमिलर हैं, वो ये बताएंगी आपको फिर. हाँ, मुझे लगता है काफ़ी हद तक सिमिलर. आई थिंक वरुण इज ऑल्सो वेरी रूटेड गाय और उनका भी सर्कल स्मॉल रहता है और वो जिनसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करते हैं और उसका कोई रीज़न नहीं होता है. एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल अबाउट हिम, द सिंप्लिसिटी ऑफ द बॉय. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है पर वो सब मैं आपको नहीं बता सकती हूँ. लेकिन देर इज़ डेफिनेटली आई फील आई सी देव एंड वरुण एंड वरुण एंड देव. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि
जब इस टाइप का कोई टॉपिक चूज करते हैं जहाँ पे सोसाइटी चेंज की बात होती है, तो एज अ डायरेक्टर आप किस तरह से इस फिल्म को आपने दर्शाया? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म कुछ प्रीच नहीं कर रही है, ये कुछ ऐसी बातें नहीं बोल रही है, ये बातें ऑलरेडी हमारे दिलों में कहीं घर करके बैठी हुई हैं, लेकिन वो दब गई हैं, हम उसको खुले में कहना नहीं चाहते हैं। तो बस इस फिल्म को इसी तरह से दर्शाया गया है कि वो जो बातें हमारे जहन में, वो जो स्कार्स हमारे पास्ट में पड़े हुए हैं, उनको, उनसे हमें मिलना पड़ेगा, उनसे सवाल जवाब करने पड़ेंगे, तो हमारी ज़िंदगी आगे की आसान हो सकती है। तो उसको इसी तरह से दर्शाया गया है। इसमें कुछ ऐसा हम कुछ कुछ ज्ञान के पोथे नहीं खोल रहे हैं। आई फील लाइक कि हम कुछ करने की कोशिश नहीं की हमने, ना कोई बेवजह कुछ सीन नहीं डाला है, कोई बेवजह कोई बेमतलब का गाना नहीं है कि जिसमें मेरा कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है और मेरे बाल उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सच है, और सच को समझने में ज़्यादा वक्त लगता है, और सच को प्यार करने में ज़्यादा वक्त लगता है, सच्चे इंसान से प्यार करने में ज़्यादा वक्त लगता है। मेरा ये मानना है कि देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा कि हमने इसमें क्या नई बात समझाने की कोशिश की है, हमने जिंदगी से कुछ समझा है, वो समझ जो ऑलरेडी मौजूद है, जो लोग जी रहे हैं, और ये जो नैरेटिव कुछ हमको लगता है कि आज की तारीख में नया है। जैसे मैं इनको कह रहा था कि राधा कृष्ण का जो एक नैरेटिव है वो अपने आप में इतना अनोखा है विश्व के पर्सपेक्टिव से, कितना अनऑर्थोडॉक्स है, और उसको पूजा जाता है, वो कहाँ पर कोई ट्रेडिशनल बंधन में बंधे हुए हैं? क्या वो उनका प्रेम जो है वो ट्रेडिशनल बंधन के आधार पर जिंदा है हमारे बीच? नहीं, वो प्यार जो है वो प्यार के आधार पर जिंदा है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मैरिज जो है वो एक मैनमेड कंस्ट्रक्ट है, वो जो पैदा होता है वो मुरझाता है, फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, ये जीवन का एक अनचेंजेबल फैक्ट है। मगर प्रेम जो कुदरत की देन है, सूरज की रोशनी की तरह है, वॉज नेवर बोर्न सो इट विल नेवर डाई। तो ये कुछ एहसास है जो हमारे किरदार अपने गिरते पड़ते अंदाज में, अपने अंधेरों से जूझ कर, अपने जख्मों को कुरेद कर, कुछ ऐसे क्षण जीते हैं जिससे ये स्वाद उनको हासिल होता है। वो स्वाद है मीठा स्वाद जलेबी में है। तो जलेबी बहुत कड़वी बातें कहकर आपको एक मिठास के द्वार पे जाके खड़ा कर देती है। अगर आपको अपनी कड़वी जिंदगी से निजात कुछ क्षण तक पाना है तो जाइए जलेबी खाइए, वो आपको अपने जहन की मिठास से जोड़ेगा। जलेबी इस बात का सबूत है कि उलझने भी मीठी हो सकती है। क्या बात है। तो आप फिल्म के गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं और ट्रेलर भी बहुत अमेजिंग है, तो आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो गाने शूट करते हुए, रोमांस करते हुए साथ में, और मस्ती कितनी हुई सेट पे? देखिए, मेरे लिए तो पहली बार मैं लिप सिंकिंग कर रहा था, तो मैं थोड़ा नर्वस भी था और थोड़ा मतलब हिला हुआ था कि कैसे होना है कैसे होगा, बट आई थिंक बाई द एंड ऑफ इट सब मिलजुल के हो ही गया, ठीक ही लग रहा है जो कर रहा हूँ वहाँ पे। इट वॉज गुड फन, एंड even the songs that we've shot in the film, the story is progressing with the song. So jo humne film mein shooting kiya hai wo to actually scenes jaisa hi shoot hua hai, moments humne capture karne ki koshish ki hai usme, to story just progresses. To aise matlab jab maine bhi picture dekhi thi to aise seamless lagta hai wo, matlab you don't feel ke you are really, you know, ki gaano ki bari aa gayi hai, ha, watching a song like that. I think he's used it very smartly, the songs. This is the first time I think. आई फील लाइक नॉर्मली यू नो एज एक्टर्स हम लोग को गाने जो हैं हम यूज करते हैं फॉर आर परफॉर्मेंसेज, कोई हैप्पी सीन होता है उसमें मुझे एक हैप्पी सॉन्ग सुनना पड़ता है एक लेटेस्ट एल्बम का, लेकिन इस पिक्चर में मैंने इसी पिक्चर के गाने यूज़ किए हैं। अगर मुझे हैप्पी सीन करना था तो मैं पल ही सुनती थी, और ट्रेन के स्केड्यूल में मैं तुमसे ही सुनती थी, और मैं बोल बोल के लगवाती थी कि भाई डायलॉग के टाइम पर भी लगा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो हमने भी अपना एक सीन जो है वो गाने पर किया, एंड आई थिंक दैट इज़ सो ग्रेट कि आपको अपनी फिल्म से दूर जाके कहीं इंग्लिश म्यूजिक नहीं सुनना पड़ रहा है। मैं बहुत इंग्लिश गाने सुनती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत अलग था, और मुझे लगा कि अगर मुझे इससे रोना आया और मुझे इससे खुशी मिली तो आई थिंक सबको हो ही रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई द म्यूजिक वर्क्स। आई फील आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक इज दैट इट्स इमोशनली स्टिच्ड टू द फिल्म, तो वो उससे अलग नहीं है, वो स्क्रिप्ट से जुड़ा हुआ है, कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, विच इज व्हाई वी वर एबल टू रिलेट टू इट इवन व्हेन वी वर एक्टिंग द पार्ट्स आउट।
रिया जैसे कि इनकी पहली फिल्म है तो आपने कुछ मतलब सेट पे रैगिंग या कुछ फर्स्ट वो होता है कुछ मस्ती कुछ अरे ये मुझे परेशान कर मेरे को देखो मैं इतनी स्वीट हूं ये मुझे बुली करता नहीं, था नहीं, ये मोटरसाइकिल अपना स्कूटर को चलाती है पीछे बैठा के लाती है शी इज सपोज्ड टू बी द सीनियर वन बट इट वाज मी हु वाज बुलीइंग हर मैं इनसे सेट पे ये कराता था देखो हीरो सुंदर लगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है राइट तो उनका शेव भी मैंने किया है उनको खाना भी मैं खिलाती थी उनका सारा काम मैं ही करती थी उनका बैग वैग भी मैं ही लाती थी अगर तुम्हारा हीरो ही डफर होगा तो तुम्हारी दुकान बंदी हो जाएगी बिल्कुल तो मैंने कहा भाई तुम शेव करोगे मैं करूंगी तुम्हारा शेव काफी पैम्परिंग मिली है मतलब अरुणा को सेट या या टोटली नो बट ऑन अ सीरियस नोट शी हैज बीन रियली स्वीट आई रिमेंबर कश्मीर में जब हम लोग थे तो there was a day we were shooting the song then it was really cold and I got a really bad headache so she looked after me she made sure I did steam she got me my food and also she's been really really sweet like dekha see I'm a good person I told you but sab aapki filmon ki hamesha charcha rehti hai abhi ek aur film sadak 2 ka jo announcement hua uski bhi bahut charcha hai to aaj baat sirf jalebi ki karenge dost सड़क टू जब हम उस ब्रिज को ब्लॉक करेंगे उस पे हम बात करेंगे आज जलेबी 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 आज हमारे इस बच्चे का जन्मदिन है करेक्ट हम इसका जो है पूरा लुत्फ हासिल करेंगे तो लास्टली क्या कुछ फैंस से कहना चाहेंगे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे हमारे चेहरे को देख लो हमारी धड़कन को सुन लो वो आपसे अलग नहीं है कुछ जिंदगी के रहस्य जो हैं हमने भी कुछ गिर पड़ के सीखे हैं वो हमने ईमानदारी से इस बच्चे के जरिए आप तक पेश किए हैं आपको यकीनन इसका स्वाद आएगा 12 अक्टूबर को इसका स्वाद लेने जरूर जाइएगा 12 अक्टूबर गाइस जलेबी आई थिंक दैट जलेबी इज अ फिल्म अबाउट यू एंड मी और जिसने भी प्यार किया है जो आप सबने किया है और जिस जिसका दिल टूटा है जरूर जलेबी देखेगा क्योंकि उसने मेरा दिल तो ठीक कर दिया थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू